आप लोग देख सकते हो कितनी भयावह जगह है, और ये मैंने गाड़ी टर्न कर ली है फिलहाल। दोस्तों ये हमारे दाहिनी तरफ गाड़ी, मैं इधर आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, और ये बहुत ही पुराना खंडहर है। किलोमीटरों में यहाँ सिर्फ जंगल ही दिखाई दे रहा है। सफ़र करके कहीं से वापस हम लोग आ रहे हैं, तो एक ऐसी रास्ते में हम लोग भटक गए हैं जहाँ से कोई भी हम लोगों को दिशा नहीं मिल पा रही। आप देख सकते हो गाड़ी के अंदर भी अंधेरा हो गया, और ये हमारे आसपास जो एरिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं नंदन वाजपेयी आप लोगों को एक बहुत बढ़िया चीज़ बताने वाला हूँ। मतलब हम लोग गए थे, हम लोग तीन लोग, हम अनुराग और हमारे पंडित जी एक बड़े भाई हैं, तो ये तीन लोग गए थे रात में कहीं पर, कहीं से लौट करके आ रहे थे, और रास्ता हम लोग कहीं भटक गए। एक बुज़ुर्ग आदमी मिले, उन्होंने हम लोगों को रास्ता बताई, हो सकता उन्होंने सही बताई होगी, लेकिन कुछ कमियां अपनी रहीं। रात के सफ़र में नहीं समझ में आता है गांव गलियों में, तो हम लोग कहीं और किसी और दिशा में मुड़ गए, और वो ऐसी रोड मिली है कि मतलब मैं कभी, आप लोग जानते हो कि मैं कोई हॉन्टेड ब्लॉग तो बनाता नहीं हूँ, और ना अपनी भैया वो है बनाने की मतलब साहस भी नहीं इतना कि बना सकूँ। फिर भी मैंने जो है वहाँ पर सोचा कि लोग कहते हैं, आप लोग कहते हो कई बार, आप में से बहुत से लोग कहते हैं भाई तू भी कभी जा रहा है बना, तो मैं यहाँ बनाने नहीं आया, लेकिन जब मैं उस रोड पर फंस गया, जब देखा लॉन्ग टर्म रोड वो चलती चली जा रही है, और वहाँ आसपास एक दिया न बाती कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसको मैंने शूट किया, और कितना डरावना वो रास्ता है, तो उसको मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ। दूसरी चीज़ आपको बता दूँ, उसकी क्वालिटी बहुत ही पुअर होगी उस वीडियो की, क्योंकि मैं गाड़ी, एक्चुअली मैं ड्राइव कर रहा था, और गाड़ी के अंदर जो लाइट लगी होती है लैंप वाली ऊपर, तो वही जला करके मैंने शूट किया, और बाकी मेरे पास ना कोई उस समय टॉर्च थी ना कुछ था, तो ना फ्लैश लाइट मैंने थी, तो जो कुछ था वो क्वालिटी आपको पुअर दिखेगी। लेकिन वो जो रास्ता है, ऐसी बुरी जगह फंस गए थे हम लोग, ऐसा लग रहा था मानो कि यहाँ पर सच में भूतों का वास होता हो इस रोड में। लेकिन हालांकि मैं बता दूँ, ज़बरदस्ती का भूत तो अपने को दिखाने का कोई शौक नहीं है, तो बस ये रास्ता देखिए और थोड़ा सा आनंद लीजिए कि ऐसे ही रास्ते होते हैं हमारे पास जब हम लोग कहीं भटक जाते हैं, और इन्हीं को लोग अक्सर जो है, कई लोग ऐसे भी हैं यूट्यूब पर जो इन्हीं रास्तों में भटकने के बाद कहते हैं यही वो रास्ता है, यहाँ पे भूत लगते, चुड़ैल लगती है, तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ हम लोगों के साथ, कोई चुड़ैल नहीं मिली, लेकिन उस रास्ते को देखिए कितना सुनसान एरिया, और मैं कुछ कहानी तो नहीं बना सकता हूँ, आप देखिए बस। बड़ा मज़ेदार वाक्या है, आप लोगों को बताना चाहूँगा कि दरअसल हम लोग तीनों लोग, ये हमारे अवस्थी जी हैं, ये हमारे अनुराग भाई, और हम तीनों लोग दरअसल कहीं जा रहे थे किसी टूर पर, और ऐसे ही रात का मतलब ये मानो कि सफ़र करके कहीं से वापस हम लोग आ रहे थे, तो एक ऐसी रास्ते में हम लोग भटक गए हैं जहाँ से कोई भी हम लोगों को दिशा नहीं मिल पा रही। आप देख सकते हो गाड़ी के अंदर भी अंधेरा हो गया, और ये हमारे आसपास जो एरिया है, आप देख सकते हो दूर दूर पर लाइटें हैं सिर्फ, यहाँ पर बहुत ही, आज देख लो कि किस तरीके के जो है गड्ढे में गाड़ी हमारी जा रही है, और यहाँ रोड का आप लोग देख सकते हो, मैं इतना पहली बार जो है इस तरीके फंसा हूँ कहीं पर। ये देखिए आप लोग साइड में, यहाँ पर मेरी गाड़ी की रोशनी के अलावा और कहीं दूर दूर तक हमको कुछ भी नहीं शो कर रहा है, बहुत ही भयानक जंगल में आप फंसे हैं, डर भी अंदर से लग रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन दरअसल भटक गए, रास्ता पता नहीं चला, कहीं और जाना था, एक आइडिया गलत मिल गया, गूगल बाबा ने भी हम लोगों को जो है कुछ रास्ता भटका दिया यहाँ पर, शायद साइकिल वाला शायद चल रहा है क्या, ये आप देख सकते हो। दोस्तों इस रोड पर और कुछ तो नहीं, जंगल एरिया है, लेकिन एक चीज़ कहूँगा, यहाँ पर रावण वाले खंभे दिखाई दे रहे हैं,
जैसा अभी एक लड़का बोल रहा था कि नहर कहाँ पर है, तो ये हमारे दाहिनी तरफ गाड़ी ये तरफ आपको दिखा नहीं पा रहा, और ये बहुत ही पुराना खंडहर है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ कुछ भी नहीं शो कर रहा है दोस्तों। अब आप देख सकते हो कि ये मेरे पास शायद एक साइकिल वाले हैं दो यहाँ पर। चलिए इनको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं गाड़ी। और किलोमीटरों में यहाँ सिर्फ जंगल ही दिखाई दे रहा है, और ये हमारे मीटर पे आप देख सकते हो टाइम। हाँ, ये हो सकता है कि आप में से कई लोग बहुत सारे ये बोलते हैं कि भाई नाइट व्लॉग, नाइट 12 बजे 11 बजे ये सब बोला करते हो, तो फिलहाल आप देख सकते हो अप्रॉक्स 11 बज चुका है। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको कि भूतों का जो टाइम होता है वो ज़रूरी नहीं कि वो 11 बजे या 12 बजे ही भूत आए, ठीक है, उनको रात का अंधेरा चाहिए होता है। अगर आना होगा तो वो इस वक्त आकर के भी मुझ पर हमला बोल सकते हैं, लेकिन और पहली बार ऐसे सन्नाटे में फंसा हूँ। हालांकि आप लोग अच्छी तरह जानते हो कि मैं खुद कभी रात में शूट करने के उससे तो कहीं गया ही नहीं हूँ, और अभी भी कोई शूट करने का इरादा नहीं था मेरा। अब दोस्तों इतनी ख़तरनाक रास्ता ये है कि मैं कहाँ भटक गया हूँ यार। पहली बार आज मैं किसी की हेल्प लूं। उतर के देखो यार, यहाँ पे किससे पूछे, यहाँ तो एक परिंदा भी नहीं पर मार रहा भाई। गाड़ी के साइड में भी ये देख ये दूर दूर तक यहाँ कुछ नहीं है मेरे भाई। बाहर उतर के देखो, चलने दो, जब तक चल रहा देखता हूँ आज मुझे कोई चुड़ैल खींच के ले जाती है या मंजिल तक गाड़ी पहुँचाती है। फिलहाल डर तो अंदर से लग रहा है, फंस गए हैं तो फंस गए। ये लीजिए दोस्तों, आपके सामने घड़ी भी मेरी हाजिर है, ठीक है ना। और ये घड़ी आप देख सकते हो ये। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ मेरे पीछे कोई गाड़ी पड़ी है और मुझे यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर अपनी गाड़ी बढ़ा लेता हूँ। और आगे ये रोड बहुत ही लंबी जा रही है, कहाँ तक ले जाएगी पता नहीं, लेकिन बहुत ही भयावह जगह है, बहुत ही सुनसान एरिया में मैं फंस चुका हूँ। मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसी किसी रोड पर मैं आ जाऊँगा, और आगे जहाँ कुछ भी मेरे को एक परिंदा भी नहीं मिलेगा। हालांकि हमारे एक ब्लॉगर भाई हैं AM ब्लॉग, वो भी इस तरह की रोड में फंस चुके हैं, तो ये रास्ता ही है ना भाई, सही जा रहे हैं। ये भैया हमारे पंडित जी हमारे जो है, और ये हमारे अनुराग बाबू, हम लोग तीनों ही लोग जो है आज बहुत बुरा फंस गए थे। तो ये पहली बार ऐसा वाकया हुआ हम लोगों के साथ में, ऐसा हालांकि कभी हुआ नहीं है, लेकिन अभी हो गया तो हो गया। फिलहाल चैन की सांस हम लोग ले सकते हैं, उसका रीज़न ये है, मैं लाइट खोल देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई दे। फाइनली हम बहुत ही खुश हैं कि हम लोगों को जो है लाइटें मिल गई यहाँ पर, स्ट्रीट लाइट और गाड़ियों की लाइटें दिख रही हैं, तो मतलब अब थोड़ा सा डर बाहर है, डर से हम काफ़ी बाहर आ चुके हैं, तो बने रहिए ब्लॉग पर। फाइनली जान में जान आई, और यहाँ पर प्रशासन की गाड़ी हमें नज़र आ गई है, तो अब डरने की कोई बात नहीं है, पुलिस की गाड़ी हमारे साथ। और यहाँ पर इक्का दुक्का गाड़ियाँ और लाइटें भी नज़र आने लगी हैं, कुत्ता खड़ा है सामने। फ़िलहाल मुझे लगता है कि अब मैं कहीं शहर की तरफ आ गया हूँ, कहाँ आ गया हूँ, अपना मोड़ मिल रहा है क्या, नहीं अभी हमारा सिटी नहीं आया है शायद। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ अब शायद उस रोड से बाहर आ गए जो खतरे की रोड थी, और चलते हैं, कहीं ना कहीं तो अब कोई रिहायशी इलाका मिल ही जाएगा। ये बीचों बीच क्या है भाई, चेम्बर है, अच्छा कोई बात नहीं, गटर है, तो
ये कुछ लड़के, और अब दोस्तों खतरे से बाहर है हम शायद। खतरा क्या यार, खौफ से बाहर। और अभी फ़िलहाल आप ब्लॉक पर बने रहिए और देखते हैं रास्ता कहाँ तक लेकर के जाता है। लेकिन अब ये है अच्छी बात कि हम लोग खौफ के दायरे से, भूतों के दायरे से बाहर आ चुके हैं और हम सभी यहाँ पर बड़े खुश हैं। हमारे पंडित जी विशेष तौर पर पकड़े, रोड दिखाते रहो बस। जय हो बजरंग बली बाबा, बहुत बचाया आपने ये मंदिर दोस्तों। और कहते हैं कि जब राह पे आप मंजिल के करीब हो या मंजिल आपको मिल जाए या थोड़ी बहुत रोशनी भी मिल जाए, तो अगर वहाँ पर कोई मंदिर मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है, जान में जान आ जाती है। और अब आप देख सकते हो कि ये कुछ ठेली वाले और कुछ गाड़ियाँ यहाँ पर अपने घरों को जाती हुई, और हम फाइनली आज किसी मार्केट वाली रोड पर आ चुके हैं। अब खैर डर नहीं है मेरे को, लेकिन उस जंगल से एटलीस्ट मैं बाहर आया तो इसका बहुत बड़ी जो है मतलब खुशी है इस बात की। मुझे लग नहीं रहा था कि मैं घर पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा, लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि हम लोग यहाँ पर अपने क्षेत्र में हाजिर हो चुके हैं और ये हमारे क्षेत्र की तरफ ले जाने वाली रोड हमको मिल गई है, तो बहुत ही खुशी की बात है। आप लोग इस ब्लॉग को देखिए और बताइएगा कि मैंने ये पहली बार नाइट का ब्लॉग मैंने बनाया नहीं, एक्चुअली बनाना पड़ गया। मैंने सोचा तो था शूट करने को थोड़ा जल्दी, एक्चुअली हम लोग 8-9 बजे निकले थे, लेकिन जब इस रोड पे फंस गए हम लोग और ऐसी जंगल में फंस गए। अब आप पूछोगे ये कहाँ का सीन था, तो भाई ये हमारे कानपुर देहात का सीन था, जो कि आप कभी उधर आए होंगे, कोई आप में से कानपुर का होगा और जिसको रायपुर की जो है रोड जो कि सरवन खेड़ा की तरफ ले जाती है, हम लोग उस रोड पे फंस गए थे बहुत बुरा। और उस रोड तक का तो मुझे जानकारी थी, लेकिन उसके बाद की जानकारी मुझे नहीं थी मैं कहाँ आ गया हूँ। तो एक्चुअली कोई बुड्ढा वहाँ मिला, मैं उससे मैंने रास्ता पूछनी चाहिए, लेकिन बुजुर्ग आदमी थे, हो सकता है उन्होंने सही बताया हो, मैं ही भटक गया। तो आई होप कि उन्होंने सही बताया होगा, लेकिन मैं भटक गया। तो अब मैं शहर पे आ चुका हूँ आप देख सकते हो, और यहाँ मैं अपने क्षेत्र पे, मेरे क्षेत्र पे आने के बाद की बात ही अलग है भाई। यहाँ पर तो जो है रात को 12 भी बजा हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, रोड चलता है और गाड़ियाँ आप देख सकते हो। तो बस फिलहाल ये था छोटा सा व्लॉग। सो फाइनली वी आर बैक टू आवर लोकेशन, और हम सब अपनी लोकेशन पर वापस आ चुके हैं। हमारे क्षेत्र हमको मिल चुका है और हमारा घर भी हमारे करीब है, तो बहुत इस बात की खुशी कि हम जंगल से बाहर आ सके। आज पहली बार उस जंगल में फंसे। आज मैंने देखा है कि कैसे लोग हॉन्टेड शूट करते हैं और कितनी मतलब उनके अंदर कितने जज्बे होते हैं। फिलहाल मैं तो जा नहीं पाता हूँ रात को, लेकिन मैं तो फंस गया इस वजह से मैं उस रोड पर गया, अपना कोई इरादा भी नहीं था। और आगे आपको बता दूँ कभी कोशिश भी नहीं करूँगा इस तरीके के जो है रात में इस तरह के ब्लॉग शूट करने की। तो फिलहाल हम अपनी लोकेशन पर आ चुके हैं और मैं गाड़ी पार्क कर देता हूँ यहाँ पर। हमारे पंडित जी हैं जो इनके दरवाजे पर, और पंडित जी थोड़ा तेज़ी से बोलिए भाई, जनता आपको सुन रही है। ये हमारे पंडित जी हमारे नए मित्र हैं, बड़े भाई हैं। हाँ जी, और ये हमारे अनुराग भाई हैं, हमारे कजिन समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, हमारे अजीज मित्र हैं। और तो हम तीनों लोग जो है हम लोग आगे कोशिश करेंगे इसी चैनल पे आप लोगों को हम तीनों का ही जो है एक संयोग से हम लोग तीनों लोग कहीं ना कहीं ब्लॉग दिन के और रात के आप लोगों को देते रहेंगे। और अब से आपको बराबर इस चैनल पर ब्लॉग मिलते रहेंगे, वो ब्लॉग कुछ भी हो सकते हैं। जैसा कि आप शुरू से जानते हो कि मेरा ब्लॉग सिर्फ टेक का नहीं था, मतलब मेरा चैनल जो है वो टेक का नहीं था। मैंने कुछ भी यहाँ पर बहुत सी बार डाइवर्ट किया अपने चैनल को, तो ब्लॉग भी डाले हैं, मंदिर का भी अपना फैमिली ब्लॉग शूट किया है, हॉन्टेड भी डाले हैं, हॉन्टेड एनालिसिस भी किए हैं। सो
फाइनली हम आ चुके हैं, आप देख सकते हो मेरे पीछे गाड़ियां चल रही हैं और हम अपनी लोकेशन पर आ चुके हैं। और भैया बाहर निकलेंगे आप लोग, ठीक है? तो देख सकते हैं आप लोग, अब चैन की सांस है। यहाँ पर फंस गए थे बहुत बुरा जंगल में, कहाँ फंस गए थे मुझे भी नहीं मालूम। कभी फिर कभी दिन में अगर उस रोड पर जाएंगे तो ज़रूर दिखाने की कोशिश करेंगे। क्यों अनुराग भाई, कैसा महसूस किया आज का सफ़र? भैया अभी तो लग रहा है कि हाँ सही सलामत घर पहुँच चुके हैं। पंडित जी कैसा महसूस किया आज के सफ़र के बारे में? बड़ा रहस्यमय, बड़ा खतरनाक रास्ता, दिल की धड़कनों को तेज कर दिया। धड़कन तेज थी हाँ। अब भैया जब हम लोग अपने गंतव्य तक पहुँचे, कुछ धड़कने हम लोगों की कम। तो आप लोग देख सकते हो कि हम लोग तीनों, एक्चुअली हम लोग तीनों लोग कोई ब्लॉग नाइट का हॉन्टेड ब्लॉग कभी शूट नहीं करते हैं हमें। और ख़ास तौर से मेरी बात करूं तो मैंने तो हमेशा दूसरों के ही चैनल पर हॉन्टेड लोग जो है एनालिसिस किए हैं, लेकिन यहाँ हमारे बड़े भाई और हमारा अनुराग भाई, हम तीनों लोगों के अंदर क्या बोल जरूर रहा था कैमरे पर मैं, लेकिन क्या गुजर रही थी तो वो आपको मैं बता नहीं सकता हूँ। बस समझ सकते हो आप लोग कि मैं उनको ज़रूर सैल्यूट करता हूँ कि जो लोग हॉन्टेड ब्लॉग शूट करने जाते हैं। हालांकि मुझे खेत थोड़ा उन लोगों से ज़रूर है जो ज़बरदस्ती का भूत दिखाते हैं। मैंने आपको जो भी यहाँ रोड पर शो किया है वो मेरा खुद का रियल शूट किया हुआ है, और जो भी दायरा था जो भी टाइमिंग के साथ वही दिखाया। मैं ज़बरदस्ती का 12:01 नहीं बजाता हूँ अपने किसी वीडियो में, और आपको यहाँ पर दिखा देना चाहता हूँ गाड़ी पर कि क्या टाइम हुआ है। और मैं घर वापसी कर चुका हूँ, तो ये हमारा टाइम आपको दिख रहा होगा। आई होप के घड़ी में फोकस नहीं कर पा रहा है, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप देख सकते हो। ये मेरा मैंने बैक कैमरे से शूट कर लिया है और 11:16 पर हम घर पर खड़े हैं। मैं नहीं ज़बरदस्ती कह सकता हूँ यार किसी से कि मैंने 12 या 1 बजे अपना वीडियो बनाया है। तो ये लोकेशन आप देख लो, ये हमारे पंडित जी के घर के आसपास की है और यहाँ हम लोग आ चुके हैं और हम सभी लोग साथ में हैं। ये हमारे पंडित जी, और थोड़ा सा इस तरफ खड़े हो भाई, और आप भी उधर जाओ। तो ये देखिए, ये दोनों लोग यहाँ खड़े हो चुके हैं, मैं इनको जो है शूट कर लेता हूँ। आप लोग कुछ बोलना चाहो तो बोल सकते हो, पब्लिक से सब्सक्राइबर हैं सब आपके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें बहुत सारा प्यार दीजिए और आपके सपोर्ट से हम आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, भूतों को पकड़ कर लेकर भूतों को पकड़ करके ये लाएंगे। आप लोगों को इस तरीके का प्यार दिखाना है कि ये लोग आप तक ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ ऐसा दिखा सकें। मतलब ज़बरदस्ती कहने का मतलब ये है कि आप तक एक मनोरंजन आपका करा सकें। ये नहीं कि ज़बरदस्ती का भूत कहीं से पकड़ के ले आए। हम लोग पेड़ों को हिला करके नहीं दिखा सकते हैं, हालांकि पेड़ हिल रहा होगा तो ज़रूर वहां तक कैमरा हमारा जाएगा। तो शुभ रात्रि। हाँ कुछ बोल रहे हैं पंडित जी हमारे, अगले वीडियो पे एक खंडहर दिखाएंगे। चलिए ये अच्छी बात है, खंडहर का रहस्य बताएंगे अगले वीडियो पे। ये आपको एक खंडहर दिखाएंगे और उस खंडहर का रहस्य बताएंगे। अब रहस्य क्या है ये भी रहस्य पर छोड़ देते हैं, तो इंतज़ार कीजिए उस ब्लॉग का, बहुत जल्दी आपको वो ब्लॉग मिलेगा जो खंडहर हमारे पंडित जी आपको दिखाने वाले हैं। तो हम सभी साथ में जाएंगे, हम तीनों लोग। खतरनाक भैया, बड़ा ही भयानक और ख़तरनाक खंडहर होगा, तो उसे दिखाने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं आपसे किसी और ब्लॉग में। शुभरात्रि, सब लोग अपना ख्याल रखिए।